को कहते हैं स्वीकार करने वाला हृदय से YouTube वालों आप भी बैठिएगा ठीक है ना लिखा है स्क्रिप्चर्स वार्निंग या बाइबल वार्निंग फॉर बोर्न अगेन क्रिश्चियंस क्या है आपके बीच में रख रहा हूं यह चित्र देख लीजिए पहला आप सभी जानते हैं ये चित्र का कनेक्शन किसके साथ है ये कनेक्शन है दो लोगों का एक है यीशु और दूसरा है आप यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस ठीक है ना याद आ गया होगा आपको और इसका कहां से शुरू होता है योना की किताब उसका पंद्रह का पांच से लेकर आगे तक रखूंगा ना एक एक करके पहला देख लेते हैं लिखा है मैं दाखलता हूं और तुम डालिया जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फलता है अब फिर कहता हूं क्या कभी यीशु मसीह अंगूर है नहीं क्या कभी क्रिश्चियंस अंगूर हैं नहीं क्या यीशु मसीह वाइन है नहीं क्या हम ब्रांचेस हैं नहीं फिर ये कौन सी भाषा है मैं जब बाइबल की बात पे आऊंगा ना जिसको कहते हैं इन्वेस्ट उसके ऊपर मैं सिखाऊंगा क्योंकि वो गहरी बात है जिसको कहते हैं बाइबल की भाषा ये बहुत कुछ ऐसे टर्म्स या बहुत सारे ऐसे डायलॉग यीशु यूज करते थे उसमें से ये एक है तो यीशु हैं तुम क्रिश्चियंस तुम अंगूर हो मैं क्या हूं मैं दाखलता हूं जिसके लिए अभी क्या कहा मैं दाखलता हूं, तुम हूं। और फिर कहते है, जो में बना रहता है वो उस, मैं उसमें वह बहुत फल लाता है इसका मतलब है कि मुझको और आपको उद्धार क्यों मिला फल लाने के लिए हमको उद्धार नहीं मिला माई गुडनेस गटी मन मानी करने के लिए हमको उदार मिला है फल लाने के लिए मनमानी करने के लिए नहीं मैं रिपीट करता हूं जितने लोग अभी जूम पर मुझे सुन रहे हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं यहां से बहुत केयरफुली सुनिएगा क्योंकि आपको यीशु का एक अलग रूप दिखेगा और यीशु की शुरुआत होती है तेरहवे अध्याय से यहुन्ना के तेरहवे अध्याय से तेरहवा अध्याय कौन सा है जहां यहूदियों का फसा जिसको कहते हैं येशु मसीह का फंसा जिसको कहते हैं पास ओवर नाइट तेरहवें अध्याय से चौदहवें अध्याय तक फिर वो शुरू करते हैं पंद्रहवें अध्याय से सोलहवें अध्याय तक फिर सत्रहवें से अठवें अध्याय में आपको पता है जहां यीशु कहते कहते मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए वो एक अलग जगह पे चले गए और ये वो घटना है जहां यीशु ऊपर के कोटरी में अपने छेलों से बात कर रहे हैं और यीशु कहता मैं दाख लता हूं तुम डालिया हूं। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फलता है मैं रिपीट करता हूं यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनिए हम सबको पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपनी मनमानी करने के लिए उद्धार नहीं दिया है अगर उद्धार को लेकर मनमानी करोगे डंके की चोट पे बोलता हूं तुम अपना पक्का उद्धार खोगे इसमें बाकी क्या कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन स्क्रिप्चर को रख रहा हूं कहता है कि तुम बहुत फल लाओगे और फिर कहता क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है मुझे यीशु से जुड़े रहना है उसको कहते हैं उद्धार हम सबको यीशु से जुड़े रहना है उसको कहते हैं उद्धार जितनी भी मिन दुनिया में सबको यीशु से जुड़े रहना है उसको कहते हैं उद्धार का मकसद जिसको यीशु के लिए जीना कहते हैं फलाना इसने लिखा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते अब वचन छ लिखा है यदि ये आवाज क्या है ओके okay, लिखा है यदि इंग्लिश शब्द है इफ मैं फिर कहता हूं यदि कोई मुझ में बना ना रहे इसका मतलब क्या है यहां जबरदस्ती नहीं हो रही है इसका मतलब है यीशु ने ऑप्शन रखा है इसका मतलब है यीशु कहता है कि तुम्हारी मर्जी मैंने तो उधार दे दिया मकसद यही है लिखा है यदि कोई मुझ में बना लिखा है ना रहे उसके साथ क्या होगा तो वह डाली कि नहीं फेंक दिया जाता सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर बहुत ध्यान से देखेगा लिखा है आग में झोंक देते और जल जाती है यह कौन सी आग है नरक की माय गुडनेस क्या सब लोग सुन रहे हैं जी मैं रिपीट कर रहा हूं क्या सब लोग सुन रहे हैं जितने जूम पर हैं अभी डॉक्टर राजेश कुमार या yeah, मैं सबको पूछ रहा हूं क्या हम सब सुन रहे हैं या या फोकस करिए फोकस करिए वापस आता हूं लिखा है तो वह डाली अगर जो डाली मुझ में और लिखा यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली किनाई फेंक दिया जाता सूख जाता है उन्हें उन्हें लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह डाली जल जाती है ये कौन डाली है ये क्रिश्चियंस हैं ढंके की चोट पे बोलता हूं इसको जुटला कर बता दो कि ये गलत है ये कौन है ये क्रिश्चियंस है ये अंगूर नहीं है ये अंगूर नहीं है ये ये ग्रेप्स नहीं है ये यीशु मसीह क्लिप्टिक में बात कर रहा है कि जो मुझ में बना नहीं रहेगा मतलब मेरे उद्धार में जिसको मैंने दिया अगर उसमें बना नहीं रहेगा उसको मैं काट दूंगा आग में जला दूंगा वचन साध्य को क्या लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहे जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा लिखा है यदि 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 लिखा है इंग्लिश में इफ 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 आई एफ इफ इसका मतलब क्या है अगर ऐसा करोगे तो होगा अगर ऐसा करोगे तो होगा अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा तो इसको कहते हैं यीशु मसीह जबरदस्ती आपके पीछे नहीं पड़ा है वाह वचन आठ क्या कहता देखिए मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे ये था यीशु का प्रचार आजकल क्या प्रचार चल रहा है आप ईसाई बन गए हो प्रभु आपसे प्यार करता है छोटा मोटा गलती तो चलता है छोटा मोटा पाप तो चलता है छोटा मोटा गुस्सा तो चलता है झगड़ा तो चलता है गालियां तो चलता है कभी हफ्ते में एक बार वाइन पी सकते हो कभी हफ्ते में एक बार बियर पी सकते हो परमेश्वर कहता है उस मकसद से तुम्हारा उद्धार नहीं किया है तुम्हारा उद्धार किया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ अब बताइए ना इसका मकसद क्या है दोस्तों इसका मकसद है कि परमेश्वर कहता है तुमको एक ही मकसद के लिए उद्धार दिया है ताकि तुम फल लाओ अगर तुम फल नहीं ला रहे हो लिखा है तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे अगर फल नहीं ला रहे हो विश कि मैं आपके घर पर बैठकर आपको यह प्रचार कर पाता लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉकडाउन फिर से शुरू हो रहा है मैं रिपीट करता हूं कि तब ही ब्रैकेट देख लीजिए लिखा है तब ही तुम मेरे चले ठहरोगे तब ही तुम मेरे चले ठहरोगे आजकल टाइम पास बहुत चल रहा है साहब फल नहीं ला रहे हैं आजकल मनोरंजन बहुत चल रहा है आजकल क्रिश्चियंस क्या बन गए पता है सेलिब्रिटीज़ फेसबुक यूट्यूब वालों अगर ये पहुंचता है वहां तक के लिए मैं बता दूं आजकल सेलिब्रिटी टाइप क्रिश्चियन बहुत हो गए फंक्शंस में जा रहे हैं फोटो क्लिक करते हैं फेसबुक पर डालते हैं कहीं पर कॉन्सर्ट करते हैं फोटो खींचते हैं फेसबुक पर डालते हैं फिर ऊपर से ऐसी मेहरबानी जताते हैं हे गाइज प्रे फॉर अस हे गाइज वी हैड अ गुड टाइम ये क्या लगा के रखा है परमेश्वर कहता है फल लाओ परमेश्वर कहता है मेहनत करो परमेश्वर कहता है आत्मा बचाओ यहां कम से कम थोमा जब से भारत आ गया हम अभी भी तीन से चार टक्का क्रिश्चियंस हैं जबकि बाकी सब कंपनियां डेवलप कर रही हैं बाकी सारे के सारे शॉपिंग मॉल डेवलप कर रहे हैं हर इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन एक ही ऐसी बिजनेस है और वो है मसीह की बिजनेस जो सिर्फ तीन टक्के अटकी हुई है क्या शर्म की बात है क्या शर्म की बात है Now, इसको देखे रोमियो किताब उसका ग्यारह का सत्रह ये बहुत इंटरेस्टिंग है यदि लिखा है यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई लिखा यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई ब्रैकेट में इज़राइली इसका कॉन्टेक्स आपको एक से मिलेगा इज़राइली और अन्य जातियों की बात हो रहा है लिखा है यदि कई एक डाली तोड़ दी गई रिपीट करता हूं यदि कई एक डाली तोड़ दी गई ब्रैकेट में इसराइल तू जंग तो और तू जंगली जलपाई होकर उनमें गया तो ये जंगली जलपाई कौन है अन्य जाति अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं थोड़ा सा हैवी है बर्दाश्त करिएगा ठीक है ना और यूट्यूब वालों आप भी बर्दाश्त करिएगा बहलूस क्या कह रहा है पता है रोमियों की किताब कह रहा था हमें वो यहूदियों को कह रहा है कि तुम पहले यहूदी तुमको मौका मिला था ये का उद्धार पाने का तुम यहूदी तुमको मौका मिला था ये की डाली में जुड़कर फल लाने का यह देख लीजिएगा लेकिन क्या हुआ कि तुमको लिखा है यदि कई एक डाली तोड़ दी गई इसका मतलब है तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ यीशु को तुमने स्वीकार नहीं किया तब जाकर जंगली माय गुडनेस अगर आप स्वीकार कर सको इसको लिखा है तब जाकर जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया इसका मतलब है उसके अंदर डाला गया यह जंगली जलपाई कौन है अन्य जाति यह अन्य जाति कौन है आप और मैं तो प्रभु का दास पहलूस कहता है मौका मिला था को बहुत ध्यान से सुनेगा मौका मिला था को लेकिन इस ने मौका खो दिया जो डाली बनकर फल ला सकती थी लेकिन परमेश्वर ने एक और नई डाली लाई और जिसको कहते हैं अन्य जाति की डाली और अब इसको देखो और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ यह पवित्र आत्मा है जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने उसे जंगली झाड़ी को ऐसा अपने में जोड़ दिया ताकि वो भी फल ला सके अब इसको देखो तो डालियों पर घमंड ना करना यहूदियों को कहता है कि तुम खुद पर घमंड न करना और यदि तू ब्रैकेट में यहूदी घमंड करे तो जान रख कि तू यानी यहूदी जड़ को नहीं मतलब परमेश्वर को नहीं परंतु जड़ यानी परमेश्वर यीशु तुझे संभालती है ओ oh, हो oh, 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 oh. इसको इसको रख रहा हूं इसको रख रहा हूं इसको डाइजेस्ट करो प्लीज ये थोड़ा सा हैवी होगा आपके लिए मैं वापस कहता हूं किसकी बात चल रही है फल की बात चल रही है परमेश्वर की महिमा किससे होती है फल से होती है तो क्या लिखा है तब ही तुम मेरे छेले ठहरोगे लेकिन यहूदी छेले यहूदी फल नहीं लाए यहूदी यीशु की डाली नहीं बने ये यहूदी ब्रांचेस नहीं बने तब पलूस को यह प्रकाशन मिला कि अगर यहूदी मतलब इसराइली अगर फल नहीं ला रहे हैं तो मैं अन्य जाति को चुनूंगा और वो मेरे लिए फल लाएंगे माय गुडनेस माय गुडनेस माय गुडनेस आप समझ रहे हैं मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं लेकिन मैं निर्जला जी आपको कहता हूं अभी एस्थर जी आपको कहता हूं नरेंद्र जी आपको कहता हूं जितने भी अभी जुड़ रहे हैं मैं उन सभी को कहता हूं कि माय गुडनेस परमेश्वर ने एक डाली को काट दिया उसको अलग कर दिया वो डाली है इसराइली और परमेश्वर कहता है क्योंकि फल नहीं लाया मैंने एक ऐसी जंगली झाड़ी और याद रखो आपो क्लिप टेक है, तुम भी सुनो, परमेश्वर ने अन्य जाति को जा, जंगली बोला अन्य जाति को जंगली जलपाई बोला और कहा कि मैं उसके अंदर ऐसी चिकनाई को लाऊंगा और चिकनाई का मतलब है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जाति को बदलकर उसको मैं अपने में जोड़ दूंगा तो कहता है कि डालियों पर घमंड ना कर यहूदियों तुमने घमंड किया था लेकिन परमेश परमेश्वर तुम्हारा घमंड थोड़ा तुमको अलग कर दिया फिर पहलू से एक डायलॉग मारता है कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है तू परमेश्वर को नहीं परमेश्वर तुझे संभालता है और परमेश्वर आज मुझको और आपको भी कहता है कि अन्य जातियों तुम भी बात को समझो यूट्यूब वालों तुम भी बात को समझो कि परमेश्वर की कृपा हम पर हुई कि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के साथ में जोड़ा गया ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ना इसको कंटिन्यू करता हूं लिखा है फिर तू कहेगा अन्य जाति कहेंगे ब्रैकेट में अन्य जाति फिर अन्य जाति कहेंगे डालिया डालियां इसलिए तोड़ी गई मतलब अन्य जाति को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि अन्य जाति कहते हैं कि हमको मौका मिला कि मैं साटा जाऊं अन्य जाति साटे जाए इसका मतलब है ये शु में जोड़े जाए आहा, क्या करूं आप लोग समझ रहे हैं ये डाली पेड़ पौधा या या प्लीज प्लीज उसको बहुत बारीकी से समझेगा अन्य जाति कहती है फिर तू कहेगा ब्रैकेट में आपको समझने के लिए मैंने डाला है फिर तू कहेगा मतलब अन्य जाति कहेगी डालियां इसलिए तोड़ी गई यानी कि यहूदी इसलिए निकाले गए कि हम अन्य जाति उसकी जगह पे आ जाएं अब इसको देखो भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई कौन यहूदी को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका विश्वास नहीं था अविश्वासी बन गए परंतु तू विश्वास से बना रहता है अन्य जाति तू विश्वास से बना रहता है इसलिए अभी मानी ना हो परंतु भय कर ओ हो 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 हो। मतलब अन्य जाति को डांट रहा है पौलूस। अन्य जाति को फटकार लगा रहा है कि तुझे घमंड नहीं आना चाहिए जैसा घमंड अन्य यहूदी लोगों ने किया जैसा घमंड इसरा ने किया जैसा उनको चिंता नहीं थी तो अन्य जातियों को कहता है कि तुम जंगली हो लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने तुमको चिकना बनाकर येशु के साथ में जोड़ दिया इसलिए कहता है अभिमानी अभिमानी ना हो परंतु भय कर ये भय क्यों कहीं तुम अपना उद्धार ना खो दो क्यों जैसे यहूदियों ने अपना उद्धार खो दिया कैन यू बिलीव दिस अब इसको देखो क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालिया ना छोड़ी मतलब यहूदियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा तुझे भी ना छोड़ेगा इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सख्त बना जिसको कहते हैं रूडनेस जिसको कहते ट्रांसलेशन को जब मैं स्टडी कराता कहते हार्श वर्ड या रूड वर्ड परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का गुस्सा को नहीं भूलना क्योंकि यहूदियों को नहीं छोड़ा तो तुम अन्य जाति क्या हो देखो ऊपर लिखा है ना जब परमेश्वर ने स्वाभाविक नहीं छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा हो 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 इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गई उन पर कढ़ाई यानी कि यहूदी गिर गए उनको सजा मिली परंतु तुझ पर कृपा अन्य जाति पर कृपा हुई ओके, माय गुडनेस ना इसको देखे यदि तू उसमें बना रहे अन्य जाति को कहता है यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा अब मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम उद्धार नहीं खोज सकते तो फिर यह सब क्या है यह सब क्या है पहलूस की लैंग्वेज यह पवित्र आत्मा की लैंग्वेज यह परमेश्वर की लैंग्वेज जिसको परमेश्वर का दास पहलूस कहता है यहूदियों को जो स्वाभाविक डाली थी उसको नहीं छोड़ा तो जंगली जल पाई अन्य जाति को क्या नहीं करेगा जिसके चलते लिखा है परंतु तुझ पर कृपा हुई अन्य जाति यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा चौबीस <laughs> क्या कहता देखो। लिखा है परंतु जब धर्मी अपने धर्म से मैं रिपीट करता हूं जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करे वर्ण दुष्टों के उस अधिक कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा वो बच जाएगा लिखा है जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो उसके कारण वह मर जाएगा उसके कारण वह मर जाएगा आई कैसा लग रहा है या कैसा लग रहा है ओके okay. आप सबसे तो बात नहीं कर सकता हूं नरेंद्र लाइन पे है नरेंद्र लाइन पे है आप अपना माइक ऑन करके बात करिए नरेंद्र नहीं नहीं ठीक है अच्छा को होश नहीं है देखो उस नरेंद्र है क्या ओके जब तक निर्जला जी क्या चल रहा है ये सब सुन के कैसा लग रहा है आपको निर्जला जी जब तक आप बात करिए नरेंद्र को चेक करो या मैं बीच में रुक रहा हूं क्योंकि गजब की चीज रख रहा हूं इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस करवा रहा हूं जी निर्जला जी बात करिए या yeah. सब दिन नहीं है वो क्या yeah. कहे मेरा हालत आप देख ही रही होगी या 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 कभी सुना था निर्जला जी ये मतलब जंगली जल पाई और फिर ये डाली डालियां काटी गई है ना या दैट वाज वंडरफुल अब आज लोग ऐसे प्रिश नहीं करते वन सेव ऑलवेज सेव या दैट कॉन्सेप्ट इज टोटली नॉनसेंस या टोटली नॉनसेंस या टोटली रॉन्ग कितने बार बाइबल में लिखा है हाँ. कि ये सब विश्वासियों के लिखा है उदार खो सकते हैं yeah. yeah. पर यू नो आज लोग पीपल बाइबल इतना गहरे तरीके से नए पढ़ते हैं कंसेप्ट में नए पढ़ते हैं yeah. और वन से ऑलवेज से वही पास्टर जो कहते हैं उसके हाँ. ही पीछे लगे हुए हैं yeah. सब अंधकार में हुए है हैं अभी क्या कहें ओके okay, नरेंद्र जी सर नरे. या yeah. आपने सुना जी सर बताइए क्या कभी सुना था ये जलपाई ये डालियां जिसको परमेश्वर वन कर रहा है कि मैंने यहूदियों को नहीं छोड़ा उनको काट दिया तो तुम क्या चीज हो नहीं सर कभी भी मतलब इस टॉपिक कभी ऐसी बात या ऐसा खुलासा कभी नहीं सुना या जिससे आज आप बता रहे हैं तो अंदर एक डर आ रहा है या गंभीर होने की जरूरत है मसीह या, 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 या। टॉपिक में ऐसे कोई भी मतलब प्रचार नहीं करता है कलिओं में ऐसा सिखाया नहीं जाता है yeah. और उसके चटिकता है थैंक यू नरेंद्र साहब माइक ऑफ कर लीजिएगा मैं ये बता चुका हूँ जो धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करेगा या दुष्टों की संगति करेगा घृणित हो जाएगा तो क्या वो जीवित रहेगा क्वेश्चन मार्क वो तो पक्का मर जाएगा ये कौन बोल रहा है ये परमेश्वर बोल रहा है अब मैं ऐसो को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मनुष्य अपना उद्धार यानी कि विश्वासी अपना उद्धार नहीं खोएगा तो फिर मुझे इसका जवाब दो या तुम अपनी वीडियो बनाओ और इसको जस्टिफाई करो अपने लोगों को बताओ और जो लोग दूसरों को सुनते मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि तुम देखो कि तुमको कैसा उल्लू बनाया जा रहा है देखो तुमको कैसा